हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डेप्रिसिएशन देखो होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसा आप जानते हैं, अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो हमें कई सारी असेट्स एक्वायर करनी पड़ती हैं। कुछ फिक्स असेट होती हैं, कुछ करंट असेट होती हैं। फिक्स असेट जैसे कोई बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, और भी कई सारे आइटम्स हैं। अगर आप उन्हें परचेज करते हैं और उन्हें अगर आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे डे बाय डे उनकी वैल्यू ना कम होती जा रही है। ठीक है, उनकी वो एफिशिएंसी जो आप जिस समय खरीदते हैं, जैसे कार्यक्षमता होती है, वो उस लेवल पे काम नहीं कर। जैसे मशीनरी है, तो मशीनरी से आप नई परचेज करेंगे तो जिस तरीके से वो काम करेगी, एक साल बाद, दो साल बाद उसकी एफिशिएंसी वैसी नहीं रहेगी, वो डिग्रेड होती जाएगी, कम होती जाएगी उसकी एफिशिएंसी, उसकी वैल्यू में कमी होती जाएगी। असल में इसी कम होने को, इसकी वैल्यू में कमी आने को, एफिशिएंसी में कमी आने को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अलग अलग लोगों ने देखो इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस करना चाहता हूँ जो आरएन कार्टर और विलियम स्पीकल्स ने जो दी है। देखिए, आरएन कार्टर क्या कहते हैं, आरएन कार्टर कहते हैं डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज। ठीक है, ग्रेजुअल एंड परमानेंट मतलब होती रहेगी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, मतलब कम होती जाएगी इसकी वैल्यू, और ये जो कम होगी परमानेंट नेचर की होगी, मतलब एक बार वैल्यू कम होने के बाद इसकी वैल्यू वापस बढ़ेगी नहीं। मशीनरी वैल्यू कम होगी इसकी, अब इसकी वैल्यू जंप नहीं करेगी, बढ़ेगी नहीं। फर्नीचर उसकी वैल्यू कम होगी, अब उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग हमने बनाई है बिल्कुल नई जैसी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे वो यूज़ होती जाती है वो डेप्रिसिएट, यानी उसकी जो वैल्यू कम होगी अब उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट फ्रॉम एनी कॉज, किसी भी कारण से, चाहे यूज़ करने से, टाइम के बीतने से, किसी टूट फूट होने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, किसी भी कारण से अगर उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है तो इस कम होने को हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। ये आरएन कार्टर जी ने डेफिनेशन दी। ऐसे देखिए विलियम स्पीकल्स जी ने क्या डेफिनेशन दी है, डेप्रिसिएशन में भी डिफाइंड एज परमानेंट डिमिनिएशन। परमानेंट डिमिनिशन मतलब उसकी वैल्यू जो कम हो रही है वो परमानेंट, मतलब वैल्यू बढ़ेगी नहीं। परमानेंट डिमिनिशन इन द क्वालिटी, मतलब वो वैसा काम नहीं करेगी, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, उसकी क्वालिटी भी डाउन हो रही है, उसकी क्वांटिटी भी डाउन हो रही है, उसकी वैल्यू भी डाउन हो रही है। क्वांटिटी का मीन्स, जैसे कई चीज़ें क्या होती है, वो हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी की फॉर्म में मिलती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है ज़मीन से कोयला एक्सट्रैक्ट करने का, अगर मैं कोयला ज़मीन से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी है, जैसे आप निकालते जाएंगे उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी ना, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, क्वांटिटी में कमी आ रही है, क्वालिटी में कमी आ रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। चलिए अब देखते हैं सिमिलर टर्म्स लाइक डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और ये डिप्लेशन, ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं, इन तीनों का सेम मीनिंग है, मतलब वैल्यू में कमी आना। मतलब डेप्रेशन का मतलब भी वैल्यू में कमी आना, अमोर्टाइजेशन का मतलब भी वैल्यू में कमी आना, और डिप्रेशन का मतलब भी वैल्यू में कमी आना। ठीक है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए होता क्या है, जैसे मैं अपनी फिक्स एसेट की बात करूँ तो देखिए हमारे पास तीन टाइप की फिक्स एसेट होती हैं। एक को हम कहते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट, मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। एक होती है हमारी इनटेंजिबल फिक्स एसेट, जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन हाँ यूज़ कर सकते हैं। और एक होती है हमारी वेस्टिंग असेट। वेस्टिंग असेट मतलब कि ऐसी असेट्स जिनको, जिनका रीयूज़ पॉसिबल नहीं है, जिनको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ किया उसके बाद वो ख़त्म। तो वेस्टिंग असेट्स में जितनी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो आते हैं। जैसे देखिए गैस है, कोल है, पेट्रोल है, अगर आप इनका एक बार यूज़ करेंगे तो क्या इसका दोबारा रीयूज़ पॉसिबल है, नहीं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेस्टिंग असेट्स। ठीक है, तो देखिए अगर आपके टेंजिबल फिक्स असेट जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ऐसी जो हमारी इनटेंजिबल फिक्स असेट है जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते ना, जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सब क्या हमारी इनटेंजिबल फिक्स असेट, इनकी वैल्यू भी कम होती है। इनकी वैल्यू जब कम होती है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारी वेस्टिंग फिक्स असेट्स हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, जितना आप एक्सट्रैक्ट करते जाओगे तो वैल्यू तो इनकी भी कम होती जा रही है, तो इनके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं डिप्लेशन।
ठीक है। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है। होप आपको डेप्थ का मतलब भी समझ में आ गया और सिमिलर टर्म्स लाइक डेप्थ ये भी समझ में आ गए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कि भाई हम डेप्थ कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा डेप्थ निकालने का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।